सच्चा मित्र। राजू और सुरेश एक घने जंगल से होकर कहीं जा रहे थे। दोनों काफी गहरे दोस्त थे और अपनी दोस्ती को लेकर दोनों ही बातें करते हुए जा रहे थे। जंगल बहुत ही घना था। राजू को डर लग रहा था, लेकिन सुरेश ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। दोनों चलते रहे, तभी सामने से बहुत बड़ा भालू उन्हें नजर आया। राजू और सुरेश दोनों डर गए थे। सुरेश भालू को देखते ही दौड़ गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुरेश भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। राजू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के नीचे से सुरेश से मदद मांगता रहा और कांपता रहा। उसे याद आया कि उसने कभी पढ़ा था कि भालू मरे हुए जानवरों को नहीं खाता है। वह तुरंत सांस रोककर जमीन पर लेट गया। भालू पास आया, उसने राजू का मुंह सूंघा। राजू सांस रोककर लेटा रहा। भालू ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। भालू के जाने के बाद सुरेश पेड़ से उतरा। उसने राजू को हिलाया और पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राजू मुस्कुराया और बोला, भालू ने कहा कि वह पेड़ पर बैठा लड़का तुम्हारा मित्र नहीं है। यह कहकर राजू वहां से चला गया। सुरेश को अपने किए पर बहुत शर्म महसूस हुई। शिक्षा, मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। कंजूस सेठ। एक बार धनीचंद नाम का एक सेठ था। वह बहुत कंजूस था। उसके पास कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले नौकर के सामने तीन शर्त रख देता था, जिसको कोई भी पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन मदन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी मांगने आया। सेठ बोला, ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर रख तो लूँगा, लेकिन मेरी तीन शर्त हैं। मदन ने शर्त पूछी। सेठ बोला कि तुमको दिन में या रात में जब भी मैं कोई काम बोलूँ तुमको वह करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि तुमको दिन में केवल एक ही बार भोजन मिलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि यदि तुम खुद नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुमको मुझे एक साल का पैसा देना होगा। मदन सेठ की सारी शर्त मान गया। सेठ बहुत कंजूस था। वह मदन को गोदाम से भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में केवल एक ही बार सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठ की बीवी ने उसको भोजन में बहुत कम रोटी दी। मदन ने बोला, इतना काम करने के बाद इतना कम भोजन? तो सेठ ने बोला, तू काम ही कितना करता है। मदन कुछ दिन बाद सेठ से नौकरी छोड़ने को बोला। सेठ ने उसको शर्त याद दिलाई। मदन ने अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ को पैसे दिए और नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आया। एक दिन गांव में मदन को उसका दोस्त रमेश मिला। रमेश ने मदन से परेशानी का कारण पूछा तो मदन ने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश ने सारी बात सुनकर सेठ का पता पूछा और मदन को चिंता न करने को कहा। रमेश उस सेठ के पास गया और उससे काम मांगा। सेठ ने रमेश को भी वही तीन शर्त बताई। रमेश बोला, सेठ जी, मैं तो आपकी तीन शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। यदि आप मुझको नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे एक साल की पगार देनी होगी। सेठ ने सोचा ऐसी नौबत नहीं आएगी और उसकी बात मान गया। रमेश कुछ दिन तक काम करता रहा। एक दिन सेठ रमेश को बोला, जाकर गोदाम से एक बोरी लेकर आओ, फिर उसमें ताला लगा देना। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। उसने बोरी निकालने के बाद गोदाम का ताला बंद नहीं किया, जिससे चोर उसकी सारी बोरी लेकर चले गए।
सेठ ने अगले दिन रमेश से पूछा तो रमेश बोला, उसने तो ताला लगाया था, शायद चोर ताला भी तोड़कर ले गए। एक दिन सेठानी ने रमेश को बाजार से लकड़ी का गट्ठर लाने को कहा। लकड़ी लाने के बाद रमेश ने पूछा, यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ पर रखूँ? सेठानी ने गुस्से में बोला, मेरे सर पर रख दो। रमेश ने ऐसा ही किया, लकड़ी का गट्ठर सेठानी के सर पर रख दिया, जिससे सेठानी चिल्लाई। सेठ ने रमेश को नौकरी से जाने को कहा। रमेश ने सेठ को शर्त याद दिलाई। सेठ उसको पैसे देने लगा। तब रमेश ने सेठ को सारी बात बता दी कि वह अपने दोस्त मदन का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। उसने सेठ से मदन के पैसे लौटाने को कहा। सेठ ने रमेश को मदन के सारे पैसे लौटा दिए। रमेश ने गांव आकर पैसे मदन को दिए, जिससे मदन बहुत खुश हुआ।